तरी सीपीएलच्या निमित्ताने एकत्र येणं म्हणजे हे एक हिंगोली विरुद्ध ठाणे सीपीएल पर्व सहाव करतायत. आपल्याला मला हेही सांगू द्या की स्टेजच्या शेजारीच सेल्फी पहिला खेळाडू आपण फेटा वगैरे घालून मस्त मध्ये माझन सरांनी बॉलिंग केलेली आहे आणि कोल्हापूरच्या टीमने इथे यायचंय. म्युझिक गेम को उठाने की कोशिश और उसी के साथ साथ ये कैच हो सकता है लेकिन नहीं. भोजनाची ही मेजवानी तिथे आपल्याला मिळणार आहे आणि याखेरीज स्टेडियमच्या बाहेर शाहू स्टेडियमच्या बाहेर फुल गैस और बहुत ही खूबसूरती के साथ मेरे ख्याल से ये छह या चार अंपायर हमें बताएंगे और ये प्रथमेश का इशारा अंपायर का चौके का. पहले फीलिंग के करना इस समय की बारी करने के लिए तैयार उठा दिया इस गेंद को के साथ और लगातार क्षेत्र से ये चौका समाप्त होंगे तो पहले ओवर में इस तरह से देखिए साहब ने इस बार धीरे से केवल ऑन साइड पर खेला वाइड मिड ऑन पर गेंद फील्ड हुई थ्रो आता दो रन तो यहां पर हुआ है और खिलाड़ियों के साथ इंट्रोडक्शन जानते हैं बहुत ही जाने माने अंपायर है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के. अब राउंड विकेट ये देखिए हॉप वॉले पर लिया उठा दिया इस बार एक रन तो आ गया दूसरा रन के लिए भी भागे बैट्समैन इन दो रनों के साथ और ये तीसरे रन के लिए पलटवारी हो रही है लेकिन बैकअप नहीं है. ये लीजिए बैकअप नहीं है तालमेल नहीं है समन्वय नहीं है नतीजा बैट्समैन आउट हो गए खुदकुशी करते हुए
हर्षल एक प्रकार की खुदकशी रहती है ये, जब बैट्समैन रन आउट होता है तो इस तरह से और एक विकेट का पतन यहीं पर हो गया है। खुदकुशी कर पकाने के बाद उठती हुई कंधे के ये रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, विकेट कीपर की अचीव, इस बार बैकफुट में जाकर कट किया, थर्ड मैन की तरफ स्क्वायर, थर्ड मैन बॉर्डर लाइन से चार रन, बहुत ही शानदार चौका। हालांकि कोशिश जरूर अटक मटक ना सकना बहना उठा दिया खुद को साथ हवा में और इसके साथ साथ शानदार आपके पानी का अंत हो गया यहाँ पर। अटक मटक शानदार आउट होकर वापस एक रन आ गया। और टॉपेज लिया, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद चली गई और ये चार रन बाउंड्री लाइन के बाहर।